नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज आपको देवों की भूमि हरिद्वार में हुए एक ऐसे अनोखे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, महादेव ऐसे भगवान हैं या कहें ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की श्रद्धा पूजा पाठ से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई भी आप कार्य करते हैं, महादेव के लिए पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्रों का जाप करते हैं, अगर आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो महादेव आपके बुरे समय में आपका साथ जरूर देते हैं। चाहे सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान शिव आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में भगवान शिव की जो भी भक्ति करते हैं, उन भक्तों पर कोई भी किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती। अगर आती भी है तो भगवान शिव उनकी उस समस्या का हल कर देते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां अचानक से 16 साल की लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी। दोस्तों, सुनने में आपको ये बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये दोस्तों सत्य घटना है। कहते हैं कि यदि एक बार महादेव की कृपा किसी पर हो जाए तो वो भवसागर को पार कर लेता है। ऐसा ही महादेव के परम भक्त के साथ हुआ। तो आइए जानते हैं सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब उत्तराखंड के हरिद्वार में एक नागा साधु की कुटिया थी। वो नागा साधु महादेव भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे और साधु पूरे दिन महादेव के मंत्रों का जाप ही करते रहते थे। दोस्तों, हरिद्वार से दूसरे गाँव से एक मिताली नाम की लड़की रोज उस साधु के लिए खाना लाती थी। उसके बाद ही अन्य साधुओं को मिताली खाना खिलाती थी। एक दिन मिताली साधु के लिए देर से खाना लाई तो बाबा ने कारण जानना चाहा। मिताली बोली, आज नदी पार करने के लिए नाव देर से मिली, इसलिए मुझे देर हो गई बाबा। इस पर नागा साधु बोला, बेटी, लोग तो भगवान के नाम से भवसागर को पार कर जाते हैं, तो तू एक नदी पार नहीं कर सकती थी। मिताली पर बाबा की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन वो सुबह सुबह बाबा के द्वार पर खाना लेकर पहुंच गई। बाबा ने पूछा, मिताली, आज तुम जल्दी कैसे आ गई। मिताली बोली, बाबा, आपने ही तो भगवान के नाम का सहारा सुझाया था, आज उन्हीं का नाम लेकर नदी पार कर गई। अब नाव का सहारा लेने की जरूरत जीवन भर नहीं पड़ेगी। उस साधु ने भगवान के नाम का उपदेश तो दिया था, परंतु उन्हें स्वयं उसके इतने बड़े प्रभावों का भान नहीं था। उन्हें लगा कि मिताली उनसे ये बात हास्य में कह रही है। लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने मिताली को लेकर नदी किनारे पहुंचे तो ये चमत्कार देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। मिताली भगवान का नाम लेते हुए सहजता से नदी पार करने लगी। बाबा ने मिताली को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश दिया है, परंतु तूने भगवान को अपना कर दिखा दिया। निष्पाप हृदय से, सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर आपके भक्तों के सहारे के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।